Good morning, students. Myself, Deepagar. Today, I will teach you Chapter 4, Maps and its Components. Chapter 4, Maps and its Components. Map सभी को मालूम होगा. Map हमारा जिसको हम हिंदी में कहते हैं मानचित्र या नक्शा. मानचित्र और इसके घटक. चैप्टर को समझने के लिए बुक रीडिंग बहुत मस्ट है हमारे लिए. चैप्टर को समझने के लिए जो मैम आपको वीडियो सेंड करती हैं उसको ध्यान से सुनना होता है, अच्छे से समझना होता है. उसके बाद भी हमारे चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, मेन मेन पॉइंट्स आते हैं जिनको हमेशा के लिए हमें याद रखना होता है. वो पॉइंट्स होते हैं हमारे जिनको हम कहते हैं की टर्म्स. की टर्म्स में सबसे पहले आता है हमारा मैप. व्हाट इज मैप? मैप को मैम ने आपको बताया मानचित्र. मानचित्र हमारे होते हैं तीन प्रकार के. नंबर वन फिजिकल, नंबर टू पॉलिटिकल एंड थेमेटिक. जो फिजिकल मैप होता है हमारा उसके द्वारा हमको केवल जानकारी मिलती है किसकी? पर्वतों, नदियों, झीलों, इन सब की जानकारी के लिए हम यूज़ करते हैं फिजिकल मैप. नेक्स्ट होता है हमारा पॉलिटिकल. पॉलिटिकल मैप के द्वारा हम जितने बड़े बड़े राज्य हैं उनके बारे में हम जानकारी मालूम करते हैं, जो देशों की, राज्यों की, नगरों की, इस सब की सीमाओं को दर्शाते हैं, वो सब होते हैं हमारे पॉलिटिकल मैप. नेक्स्ट होता है हमारा थेमेटिक मैप. थेमेटिक मैप में हमारी कंट्री की जो जनसंख्या है, हमारी कंट्री की जनसंख्या, वर्षा, वन, उद्योग, रेलवे, रोड बनी हुई होती हैं, सड़क मार्ग ऐसे, उन सब की जानकारी के लिए हम जाते हैं थेमेटिक मैप में. तो एक मैप ही ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम पास में रख करके दूर देशों तक की जानकारी ले पाते हैं. सभी को ध्यान रखने हैं मैम हमारे थ्री टाइप के मैप हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल, थेमेटिक. नेक्स्ट आता है हमारा स्केल. व्हाट इज स्केल? स्केल क्या होता है हमारा? ये देखिए, स्केल को आप लोग जब अपना कोई काम करते हैं तो एक पैमाना यूज़ करते हैं, स्केल भी कहते हैं. और आपको अच्छे से मालूम होगा स्केल का यूज़ हम कहाँ पर कर रहे हैं. स्केल दैट स्केल शोइंग द डिस्टेंस इन अ रेशियो. दूरी के अनुपात को दर्शाने के लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं. अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कार्डिनल पॉइंट. क्या होता है हमारा कार्डिनल पॉइंट? हिंदी में कहते हैं कार्डिनल पॉइंट को प्रधान दिशा बिंदु. प्रधान दिशा बिंदु द फोर मेन डायरेक्शंस. सबने अपनी थर्ड फोर्थ की क्लास में डायरेक्शन पढ़ी होंगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. तो जो हमारी मेन डायरेक्शन है, दिशा बिंदु होते हैं, उसी को हम कहते हैं कार्डिनल पॉइंट. चार जो मुख्य दिशाएं हैं वो हमारे कार्डिनल पॉइंट कहलाती हैं. नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा कॉन्वेंशनल सिंबल्स. आपने सिंबल्स वर्ड बहुत बार सुना भी होगा. किसी चीज़ को स्पेशल में दिमाग में रखने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं. सिंबल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? सिंबल्स के द्वारा मान लो हम किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं जहाँ की भाषा को समझना हमारे लिए संभव नहीं है, तो ऐसे में हमारे काम करते हैं हमको सिंबल्स. आप अपनी बुक में देख भी सकते हैं, आपको पेज नंबर 24 पर एक सिंबल का चार्ट दिया हुआ है, लाइक दिस. इस चार्ट को आप सभी को सुंदर तरीके से अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है. हर सिंबल का आपको दिमाग में रखना है कौन सा सिंबल क्या शो कर रहा है. तो कॉन्वेंशनल सिंबल्स हमारी किस में हेल्प करते हैं? जो कॉन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं सार्वभौमिक या सामान्य चिन्ह जो मानचित्र पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्वेंशनल सिंबल्स. नेक्स्ट आता है हमारा प्लान. अब प्लान क्या होता है हमारा? ये दूरी हमने जान लिया, मानचित्र के घटक क्या होते हैं वो सब हमने जान लिया,
अब हम आगे आते हैं तो देखते हैं जो डायरेक्शंस होती हैं, द नॉर्थ डायरेक्शन इन द टॉप एंड साउथ डायरेक्शन इज द बॉटम, द ईस्ट डायरेक्शन इज टू द राइट, द वेस्ट डायरेक्शन इज टू द लेफ्ट। जो हमारी डायरेक्शंस हैं यानी कि दिशाएं हैं, नंबर वन ऊपर की ओर दिशा होती है, वो कौन सी होती है हमारी उत्तर दिशा। नीचे की ओर जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण दिशा। दाई ओर पूर्व दिशा कहलाती है और बाई ओर हमारी पश्चिम दिशा कहलाती है। प्लान, प्लान क्या होता है हमारा, जो हमने मानचित्र में अपना देखा है उसी मानचित्र का दूसरा वर्ड होता है मापचित्र। माप किसी चीज को मापना, मानचित्र हमारा मैप है और प्लान क्या है हमारा मापचित्र। मापचित्र में हम क्या देखते हैं, एन एक्यूरेट डायग्राम फॉर अ स्मॉल एरिया, एक छोटे से एरिया में छोटे से क्षेत्र में बनाया गया यथार्थ मापचित्र हमारा प्लान कहलाता है। अंडरस्टूड, हर किसी को हर वर्ड का मीनिंग समझना है, उसको याद करना है, चैप्टर बहुत इजी लगेगा फिर आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे कहते हैं हम, डिस्टेंस होता है हमारा दूरी। अब दूरी क्या है हमारी, ये दूरी को हम मापने के लिए जो स्केल यूज़ कर रहे थे, दूरी को मापने के लिए हम एक स्केल यूज़ करते हैं, स्केल द्वारा हम रियल वर्ल्ड का अनुभव कर पाते हैं। एक स्केल द्वारा जो हम रियल वर्ल्ड का अनुभव कर पाते हैं, जिसका मैप में हम डिस्टेंस जान पाते हैं, जिस कारण से। नेक्स्ट होता है हमारा स्केच। स्केच, अ मैप इज टू स्केल दैट इज द मैप एरिया एंड अराउंड ग्राउंड एरिया आर इन द सर्टन रेशियो, बट इन द केस ऑफ अ स्केच द डिस्टेंस इज नॉट टू स्केल। मानचित्र पैमाने के आधार पर बनाए जाते हैं, लेकिन रेखा चित्र बनाने के लिए दूरी को नहीं मापा जाता, रेखा चित्र हमारी स्मरण शक्ति का और निरीक्षण पर ही डिपेंड करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्केच। स्केच के द्वारा हम किसी भी मानचित्र का मापचित्र में अवलोकन कर पाते हैं। इसी के साथ चैप्टर के जो मेन पॉइंट थे आपको वीडियो द्वारा समझा दिए गए हैं। सभी को अच्छे से अपनी वीडियो को समझना है, वर्ड्स के जो मीनिंग आपको बताए गए हैं उनको याद रखना है। जब आपको चैप्टर का एंड होने पर आपके नोट्स सेंड किए जाएं, सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर तरीके से वर्क करना है। आपको जो आज मैम ने वीडियो में मैप के जो सिंबल्स आपको दिए हैं, सभी को ये टेबल अपने सुंदर तरीके से कॉपी में ड्रॉ करनी है और सिंबल्स को याद रखना है। इसी के साथ थैंक यू एवरीवन।